हेलो बच्चों, गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 4 का गणित विषय का ज्यामिति पाठ का अध्ययन करेंगे। कक्षा 4 में तल, रेखा व रेखाखंड के लिए सीखने का प्रतिफल परिभाषित नहीं है। बच्चों, यहाँ पर कुछ वस्तुएं दिखाई दे रही है। इन वस्तुओं को अपने आसपास, अपने घरों पर ढूंढिए और उन वस्तुओं को अपने फर्श या टेबल पर इकट्ठा करिए और उन वस्तुओं को बारी बारी से अपनी उंगलियों के माध्यम से लुढ़काने की कोशिश करिए। बच्चों, जैसे इस चित्र पर दिया गया है, जैसे पुस्तक, बेलन, पासे, कंचे, इन वस्तुओं को उंगलियों के माध्यम से लुढ़काने की कोशिश करो। जैसे हम ईंट को लुढ़काएंगे तो ईंट आसानी से नहीं लुढ़कती, पासे को लुढ़काएंगे तो नहीं लुढ़कती। इसी प्रकार गेंद को लुढ़काएंगे तो वह आसानी से लुढ़क जाती है। आओ बच्चों, जो चीज़ें हमने इकट्ठा की है उन चीज़ों को एक और गतिविधि के माध्यम से समझते हैं। अब पुस्तक को एक पुस्तक के ऊपर रखते हैं। अब पुस्तक को हम पुस्तक के ऊपर आसानी से जमा कर रख सकते हैं। क्या अन्य वस्तुओं को इसी प्रकार जमा के रख सकते हैं? आओ देखते हैं बच्चों। अब पासे को पुस्तक के ऊपर रख कर देखते हैं, ये भी हम आसानी से रख सकते हैं। आओ बच्चों, समतल के कुछ और उदाहरण हैं। जैसे यहाँ पर एक ईंट दिखाई दे रहा है और एक पासा है। इनके तलों का अध्ययन करते हैं तो हम पाएंगे इसमें 6 तल है और सभी तल जो है सपाट है, इसलिए यह समतल है। आओ बच्चों, इसे हम एक अन्य गतिविधि से समझते हैं। एक बॉल लेते हैं और उसके ऊपर एक कंचा रख कर देखते हैं। ये आसानी से नहीं रखी जा सकती। जिस प्रकार हमने देखा बच्चों कि पुस्तक के ऊपर हम आसानी से पुस्तक, कंचे रख सकते हैं, किंतु गेंद के ऊपर कंचे रखेंगे तो वे लुढ़क जाती है। इस प्रकार इनके तलों का अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि इनकी जो आकृति है, पृष्ठ की जो आकृति है वह गोली है। इसे हम गणित की भाषा में वक्रतल कहते हैं। आओ बच्चों, इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं जो अपने आसपास आसानी से मिल जाती है। जैसे बेलन, बेलन के पिष्ट को देखेंगे तो भी ये गोली होता है और इसी प्रकार गेंद के पिष्टों को देखेंगे तो ये गोली आकृति के होते हैं। इन्हें हम वक्रतल कहते हैं। बच्चों, अभी हमने कुछ चीज़ें देखे जिसमें हमें सपाट यानी समतल और गोली मतलब वक्रतल देखे। इसी प्रकार कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसमें समतल और वक्रतल दोनों ही होते हैं। जैसे बच्चों, चित्र में दिखाया गया है एक जार है जिसका निचला हिस्सा समतल है, सपाट है इसलिए वह समतल है, और उसका बीच का हिस्सा गोली है इसलिए वह वक्रतल है। इस प्रकार इस जार पे समतल और वक्रतल दोनों ही है। बच्चों, अभी हमने देखा समतल और वक्रतल। आइए कुछ और चीज़ें देखते हैं। आपके पाठ्यपुस्तक के पेज नंबर 85 पर एक तालिका दी गई है, उसमें कुछ वस्तुएं दिखाई गई है। उन वस्तुओं को ध्यान से देखो और उसमें पता लगाइए कि उसमें कौन कौन से तल है। जैसे उसमें दिया हुआ है घी का डिब्बा, तो बच्चों घी के डिब्बा में कितना तल है तो बताइए बच्चों। हाँ, घी के डिब्बा का जो निचला हिस्सा है वह सपाट है इसलिए वह समतल है, लेकिन जो बीच का हिस्सा है वह गोली है तो वह वक्रतल है। इसी प्रकार माचिस बॉक्स दिया है बच्चों, इसमें कुल कितने तल है बच्चों? इसमें कुल 6 तल है और सभी तल सपाट है इसलिए यह समतल है। इसी प्रकार बच्चों, एक गेंद दिया हुआ है, इनके तलों का अध्ययन करेंगे, अवलोकन करेंगे तो हम पाएंगे इसमें वक्रतल है। यह गतिविधि आप अपने घर पर आसानी से कर सकते हैं। एक प्लेट लीजिए और जो गिलास दिखाया गया है वैसे ही आकृति में गिलास को रखनी है और धीरे धीरे से उनको लुढ़काने की कोशिश करनी है और यह बतानी है कि इसमें कुल कितने तल है। बच्चों, तो आपने किए इसमें वक्रतल और समतल दोनों हैं। ऐसे ही 3 वस्तुओं और ढूंढिए बच्चों जिसमें समतल और वक्रतल दोनों हों। हम किसी भी वस्तु में एक से अधिक सतह कैसे बनता है इसके बारे में एक मज़ेदार गतिविधि करते हैं।
सभी बच्चों को पासा खेलने में बहुत ही आनंद आता है। तो हम इस गतिविधि को कर देखते हैं। बच्चों आओ पासा बनाएं। बच्चों हमने यहाँ पर ड्राइंग शीट से एक चकोर टुकड़ा लिया हुआ है। अब इसे बच्चों हम मोड़ते हैं दो हिस्सों में, दो बराबर हिस्सों में मोड़ते हैं। ये हम मोड़ दिए बच्चों। इस प्रकार इसको खोल लेते हैं, देखते हैं बीच पे बीचों बीच निशान बन गया है। अब दोनों हिस्सों को बच्चों बीच से इस प्रकार मोड़ते हैं कि दोनों छोर पास पास रहे। देखिए बच्चों, अब हम ऊपरी हिस्से को ये अंदर की ओर मोड़ देते हैं। उसके बाद जो नीचे का जो हिस्सा है इसे भी मोड़ देते हैं। बच्चों दाएं ओर से अंदर की ओर मोड़ दिए। ठीक वैसे ही नीचे का हम मोड़ देते हैं। अब बच्चों इस मोड़े हुए हिस्से को अंदर की ओर दबा देते हैं। इस प्रकार यह आकृति हमें मिलता है। बच्चों अब इसे पलट दीजिए और अंदर की ओर एक चकोर निशान बनाते हैं। अब इसको खोल लेते हैं। बच्चों ऐसे ही हमें छह टुकड़े बनाने हैं। इस प्रकार हम सभी टुकड़ों को फंसाते जाएंगे। बच्चों देखो हमारा पासा तैयार है। आओ बच्चों इसके बारे में कुछ अन्य बातें जानते हैं। बच्चों तुम्हारे द्वारा जो बनाए गए पासा है उसमें कुल कितने तल है? बच्चों कुल इसमें 6 तल है। क्या बच्चों इन पासा में हम अंक लिख सकते हैं? अगर हम 1 से लिखना स्टार्ट करें तो कितने अंक तक हम लिख सकते हैं बच्चों? हाँ हम 6 अंक तक लिख सकते हैं। बच्चों इसी प्रकार पासा में अंक लिखने के कुछ नियम होते हैं। बच्चों जैसे हम 1 लिखेंगे तो 1 के पीछे वाली सतह में हम 6 लिखेंगे, क्योंकि पासा में आमने सामने का जो सतह का योग जो है 7 होता है। तो बच्चों इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे 1 के पीछे वाली सतह पे 6, 2 के पीछे 5, 3 के पीछे 4। इस प्रकार हम लिख सकते हैं बच्चों, और हमारा पासा बिल्कुल खेलने के लिए तैयार हो गया। बच्चों अभी हम ज्यामिति के अंतर्गत तल का अध्ययन किए, उसी प्रकार हम ज्यामिति के अंतर्गत बिंदु का अध्ययन करेंगे। बच्चों एक कागज लीजिए और अपने पेन या पेंसिल से एक चिन्ह लगा दीजिए। यह बारीक चिन्ह जो है बिंदु कहलाता है। यह बिंदु जितना बारीक होगा वह उतना बिंदु होने के करीब होगा। बिंदु की ना तो लंबाई होती है, न ऊंचाई होती है, न ही इसकी मोटाई होती है। बच्चों आओ हम रेखाखंड के बारे में जानते हैं। बच्चों अपनी कॉपी में 2 बिंदु बनाइए और उनके नाम रख लीजिए, क और ख, और इनको स्केल की सहायता से मिला दीजिए। इस प्रकार हमारा रेखाखंड तैयार हो गया। बच्चों यह रेखाखंड रेखा का ही एक हिस्सा होता है। बच्चों अभी हमने रेखाखंड का अध्ययन किया, अब हम आगे रेखा के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों एक रेखाखंड दिया हुआ है जिसका नाम है अ और ब। अगर हम इन रेखाखंड का एक हिस्सा, जैसे इस रेखाखंड का एक बिंदु ब को असीमित दूरी तक बढ़ा दे तो यह हमें किरण की आकृति मिल रही है। इसमें एक बिंदु जो है अ सीमित है और जो ब है वह असीमित है। इस प्रकार हमें किरण की आकृति मिलती है। इसी प्रकार बच्चों हम रेखाखंड की दोनों सिरों को अगर असीमित दूरी तक बढ़ा दे तो हमें रेखा की आकृति मिलती है। जैसे यहाँ पर अ और ब दोनों असीमित है, यहाँ पर हमें
रेखा की आकृति मिल रही है। यह अभ्यास कार्य आपके पाठ्य पुस्तक के 87 नंबर पृष्ठ पर दिया गया है। यह अभ्यास कार्य आपको करना है। और बच्चों, यह गृह कार्य भी है, इसको भी आपको करना है। बच्चों, हमने इस कक्षा में तल, रेखा, रेखाखंड व किरण के बारे में सीखा। अब हमारी मुलाकात अगली कक्षा में होगी। धन्यवाद।